शुक्रिया, नहीं शुक्रिया। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। तुमने मेरा वेट किया, इसके लिए सॉरी। कोई बात नहीं, इसी बहाने मुझे सोचने का थोड़ा वक्त मिल गया। कुछ पीना चाहोगी क्या? कॉफी। ये अभी आई है, ये पी लो। हम दोनों बहुत थक गए हैं ना? नाजली, तुम जानती हो कि मैं क्यों थक गया हूं। हाँ, इसलिए ही आई हूं। हमारे बीच के मसलों को खत्म करने, इसको बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। डायरेक्ट पॉइंट पर आओ। और क्या बात है, मुझसे अलग होना चाहती हो? हेलो नाजली। हेलो। मैंने सोचा आपको हेलो कह दूं। कैसी हैं आप? ठीक हूं आप? मैं भी ठीक। हेलो फरीद सर। हेलो। आप मुझे नहीं जानते होंगे, पर मैं आपको काम की वजह से जानता हूं। मुझे यहां आप दोनों को देखकर बिल्कुल यकीन नहीं आया। नाजली, मैं मेरी बीवी है, इसमें ऐसा क्या है कि आपको यकीन नहीं? ऐसा है क्या? मुझे नहीं पता था। यानी कि आपको मेरी मदद की जरूरत नहीं है, तो फिर आपने इतना बड़ा बोझ क्यों उठाया? शरीफ भाई, क्या आप हमें अकेला छोड़ सकते हैं? कैसी मदद, आप क्या बात कर रहे हैं? असल में बात यह है कि नाजली मैडम ने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे और मैंने इन्हें कुछ शराइत के साथ वो पैसे उधार दे दिए, और मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट भी है। नाजली मैम अब थोड़ा थोड़ा कर्ज अदा कर रही है। क्या मतलब है इसका नाजली? अब मैं चलता हूँ। नाजली मैम, बाद में मिलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज फरीद साहब। नाजली, ये सारी बातें समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। वो आदमी क्या कह रहा था? तुम्हारा उस आदमी के साथ क्या काम है? क्या तुमने सूद खोर से कर्ज लिया है? बताओ मुझे। और क्या करती, मैं अपने अभी क्रेडिट कार्ड का कर्जा नहीं दे पा रही हूँ। ऊपर से होटल के खर्चे में क्या क्या करूँ फरीद, बताओ मुझे। इतना मुश्किल नहीं था ये, कम से कम मुझे तो बताती। क्यों फरीद, क्या मैं अपने मसले खुद नहीं हल कर सकती हूँ? और मैं याद दिला दूं तुम्हें, उस वक्त हमारे बीच मसले चल रहे थे। तुम कह रहे हो कि तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे? तो अगर ये इत्तेफाक ना होता तो तुम मुझे कभी नहीं बताती इस बारे में? इतना भी भरोसा नहीं रहा मुझ पे। ये कोई मसला नहीं है फरीद, मैंने कर्जा लिया है, 3 बार में चुकाने वाली थी, दूसरी बार के पैसे दे चुकी हूँ। बहुत खूब, हमारी शादी राजों से भरी हुई है। मैं कल से तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि मसला बहुत बड़ा है। और क्या क्या छुपा रखा है तुमने मुझसे? मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं है। कुछ नहीं छुपा रही मैं। पक्का? क्योंकि तुम एकदम से डर गई, एकदम से दूर हो गई मुझसे, मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही हो तुम। ऐसा लगता है कि बहुत कुछ छुपा रही हो मुझसे। मुझे अब कोई मतलब नहीं है नाजली, मैं तुम्हारे इन राज और बातों से पक गया हूं जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती हो। तुम्हारी इस खामोशी ने मुझे थका दिया है। क्या सोच रही हो, क्या करना चाहती हो, मसला क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे तलाक चाहिए। मैं तलाक लेना चाहती हूँ। मुझे शुरू से ही लग रहा था हमारे बीच के मसलों को हल किए बिना, कोशिश किए बिना तलाक, तो तुम्हें तलाक चाहिए। ये आसान रास्ता है ना तुम्हारे लिए? ठीक है, तुम्हें तलाक मिल जाएगी, गवाह तैयार कर लो।
मुझे तो ये मजाक लग रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बदकिस्मती से ये सच है एंगन। एंगन कल मेरी और नाजली की तलाक की सुनवाई है और ये रहा सबूत इस बात का। उसने बिना वक्त बर्बाद किए दावा दायर कर दिया है। मुझे नहीं समझ आ रहा तुम लोग चाहते क्या हो आखिर। एक दूसरे से इतना प्यार करने वाले, हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देने वाले फरीद और नाजली, ऐसा कैसे हो सकता है? इसकी क्या वजाहत होनी चाहिए बताओ मुझे। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर वो मैं नहीं बल्कि नाजली देगी। मैं सोच रहा हूँ एक दफा फिर नाजली से बात करने की कोशिश करूँ, लेकिन शायद वो कुछ भी ना कहे। अब क्या होगा फरीद, क्या सच में तुम्हारा ये आखिरी फैसला है? एक दूसरे को इतनी आसानी से मत छोड़ो, बैठकर बात कर सकते हो तुम दोनों यार। मैंने अपनी सारी कोशिशें कर ली एंगन, पर अब बहुत हो चुका। मैं फालतू की कोशिशें करना नहीं चाहता हूँ। कल जो भी होगा वो देखा जाएगा बाद में। हाँ पार्टनर, पैलन के साथ मीटिंग है क्या तुम्हारी आज? वो तुम्हें मैरीना प्रोजेक्ट पर काम करने वाले आर्किटेक्ट से मिलवाएगी, क्या ख्याल है? हाँ याद है मुझे, लेकिन एक मसला है मेरे दोस्त। पता है ना कि उन्होंने मीटिंग तुम्हारे ही रेस्टोरेंट के अंदर रखी है। अगर तुम कहो तो वेन्यू बदल देते हैं। वो क्यों? शायद तुम नाजली से मिलना ना चाहो इसलिए कह रहा हूँ, और शायद पैलन भी तो होगी वहां पर। कोई जरूरत नहीं है, ये काम की मीटिंग है। उस रेस्टोरेंट का एक हिस्सा मेरा है और वैसे भी ये मेरा हक है। अच्छा ठीक है, मैं बस याद दिलाना चाहता था तुम्हें, लेकिन बस हमें जल्दी निकलना होगा। ठीक है, तो फिर मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। खुदा हाफिज़। एंजॉय कीजिए। खुश आमदीद। शुक्रिया। शायद कोई मसला है? नहीं, मैं तुमसे मिलने नहीं आया हूँ यहाँ। खाने के लिए आए हो? ऐसा भी नहीं। फिर क्यों आए हो यहाँ? एक काम की मीटिंग है तो हमने सोचा कि उन्हें यहीं कर लें, और एंगन को भी आ जाना चाहिए था वैसे। पता नहीं कहाँ रह गया वो। हेलो नाजली, मैं आपके लिए टेबल खाली करवाती हूँ। ठीक है। सो फरीद, ये है नाजमी और अर्का। हेलो, मैं फरीद हूँ। हेलो, आइए बैठिए। इस प्रोजेक्ट में हम खास किस्म के पौधों पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, और इसी के साथ मरीना के किनारे जो जैतून के पेड़ हैं उनकी वजह से ये बहुत अच्छा रहेगा मिस्टर फरीद। लेकिन उस जगह पर तो कोई भी जैतून का पौधा नहीं है, जगह ठीक से देखी आप लोगों ने? मैंने इंटरनेट पर भी ढूंढा है, पर मेरे ख्याल से आप जल्दी में सही नहीं देख पाए। इंटरनेट पर इसकी जरूर और भी मालूमात होंगी। एक्चुअली काम का प्रेशर था, इस वजह से हम उस जगह को सही से देख नहीं पाए हैं। हम जल्दी उस जगह पर जाएंगे और जाकर देखेंगे। तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए, क्या ख्याल है? हाँ ठीक है। सुनो नाजली, ये सब लोग तुमसे मिलना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि इतना मजेदार खाना किसने बनाया है। आपका बहुत शुक्रिया। कुछ देर पहले जो हमने खाना खाया था वो इन्होंने बनाया था, है ना नाजली? अच्छा खाना था, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा जायका है आपके रेस्टोरेंट का। मुझे खुशी है कि आपको खाना पसंद आया, लेकिन तुम्हारे चेहरे को देख के ऐसा लग नहीं रहा। नाजली, तुम मेरे लिए कुछ मीठा लेकर आ सकती हो? मेरी फिर से आदत हो गई। मैंने देखा है हमारे पास एक चीज केक है, उसमें कैलोरीज भी कम है, खाना चाहोगी? मैं और फरीद मीठा शेयर कर सकते हैं, है ना फरीद? नहीं, मैं कुछ नहीं खाना चाहता हूँ। क्या हम मीटिंग जारी रख सकते हैं? आप लोग एंजॉय कीजिए, चलें कंटिन्यू करें। कोई और चीज जो रह गई हो मैं अभी आता हूँ। फरीद। हाँ बोलो। तुम्हारी मीटिंग शुरू करने से पहले मैं कुछ बात कर सकती हूँ? हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो? ठीक है, पर मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी क्योंकि लगता है तुम काफी बिजी हो। हाँ। पर मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी बात का गलत मतलब लो। क्या हुआ? पैलन से संभल कर रहना, उसमें कुछ अजीब सा है। क्या अजीब है, ऐसा क्या है बताओ? कुछ वो जो मुझे नहीं पसंद, वो मुझे परेशान करती है, उसमें अजीब एनर्जीज है। अजीब एनर्जी? क्या तुम्हें महसूस नहीं होता? क्या तुम ये पूछ रही हो कि मुझे पैलन के लिए कुछ महसूस होता है? नहीं फरीद, मैं तुम्हें बस फोन कर रही हूँ, बस बच के रहना, कुछ गलत मत कर बैठना,
क्या ये बात सिर्फ तुम अपने जज्बाती बुनियाद पर कह रही हो? हाँ, मेरे जज्बात गलत नहीं होते। क्या कहीं इन जज्बात में जलन तो नहीं है कहीं? ये जलन नहीं है फरीद, मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कह रही हूँ। लेकिन तुम उस पे यकीन करो या ना करो, ये सिर्फ तुम्हारी मर्जी है। तुम्हें कैसी लगी उसकी टीम? अच्छे लोग हैं, मतलब बातों से तो इतने क्रिएटिव नहीं लगे, लेकिन इनका किया हुआ काम सबको समझ आ रहा है। वैसे एक बात मुझे भी अजीब लगी। वो क्या? हाँ, अच्छे तो हैं, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स की कुछ बातें इन्हें हमसे पता लगी हैं। ऐसा लगता है मुझे सारी मीटिंग में से पहले नहीं बोलते हैं। और नाजली? नाजली क्या? नाजली को भी पैलेन की कुछ बातें अजीब लगती हैं। उसका कहना है कि कुछ गलत है, और बदकिस्मती से मुझे अभी भी उसकी बातों पर यकीन है। मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। क्या तुम्हें वही लग रहा है जो मुझे लग रहा है? क्यों नहीं हो सकता, वैसे भी तो हर चीज हक्का नहीं कर रहा है, तो मैरीना प्रोजेक्ट में दखल क्यों नहीं देगा वो बताओ? पता नहीं, वैसे पैलिन को अभी यहां लाने वाला हक्का नहीं है। खैर छोड़ो इन बातों को, अभी काम जारी रखते हैं। हमें लोगों के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए हक्कान की वजह से, क्या बोलते हो तुम? हमारी टीम से मिल चुके हैं, तो अब हम आपको वीकली रिपोर्ट दिया करेंगे इस प्रोजेक्ट के हवाले से। हाँ बिल्कुल, मालूमात को इसी तरह हर हफ्ते अपडेट करना हमारे लिए अच्छा है। आज काम की वजह से मैं बहुत खुश हूँ, और इस मरीना प्रोजेक्ट में भी कोई मसला नहीं हुआ है, और आज इस टेंडर में हम हकान को हरा देंगे। अच्छा, वहाँ की जमीन का टेंडर ना, क्या पक्का है? और इस बार एप्लीकेशंस बंद लिफाफे में होगी। हमारे लोगों ने आखिर में हिसाब लगाया है, और हमारा फैसला 200 मिलियन लीरा का है। लेकिन हम तो कोई और अमाउंट लगाने वाले थे ना इसमें। हाँ, लेकिन नई खबर की वजह से हम 200 मिलियन लीरा लगा रहे हैं। That's a great news. मतलब सेलिब्रेट करने के लिए बहुत कुछ होगा जल्दी। हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से अब चलना चाहिए, कंपनी में एक और मीटिंग है हमारी। हम भी प्रोजेक्ट के बारे में एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मुझे कहीं शॉपिंग पे जाना है, तो खुदा हाफिज़। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। ठीक है, मिलते हैं, आप लोग ख्याल रखिएगा अपना। फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़। फिर मिलते हैं, खुश हुई आपसे। फिर मिलेंगे, शुक्रिया आप लोगों का। क्या जा रहे हैं आप लोग? हाँ, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, आ जाओ। हकान ने आखिरी मौके पर अपनी एप्लीकेशन भेज दी है, और साथ ही एक नया लिफाफा भी जमा करवाया उसने। लिफाफा खुल गया, क्या हुआ नतीजा? है तो काफी बड़ा अमाउंट, वही रकम जो तुमने पैलिन को बताई थी, बस उससे थोड़े से ज्यादा है। तुमने हमारे लिए कितनी एप्लीकेशन डाली थी? हमारे 250 मिलियन लीरा थे। सबूत नहीं, लेकिन पैलिन पक्का हकान के लिए काम कर रही है। हेलो, खुश आमदी। तुम दोनों बात करो, मैं अपना काम खत्म करके आता हूँ, ठीक है? हाँ चलो, खुदा हाफिज। मैंने तुमसे कहा था ना कि पैलिन कुछ गलत कर रही है, मुझे लगता है अब तुम समझ जाओगे कि मैं जल नहीं रही थी। मैं नहीं जानती इनका क्या मसला है, मुझे नहीं लगता कि मिलकर कुछ अच्छा कर रहे हैं। अब आया यकीन तुम्हें? ऐसी बात नहीं है नाजली, बस तुम्हारे आने से कुछ देर पहले पता चला कि पैलिन और हकान आपस में मिले हुए हैं। तुम सही थी। क्या करना चाहते हैं ये दोनों? इरादे कुछ अच्छे नहीं है उसके, हर तरह की कोशिश कर रहा है वो, और इस बार पैलिन को उसने खेल में फंसा लिया। पैलिन को खेल में फंसा लिया है हकान ने, मतलब पैलिन की कोई गलती नहीं है? बेचारी पैलिन हकान के बातों में आ गई है, क्या तुम्हें अभी भी उसकी साइड लेनी है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। हेलो नाजली, फरीद, क्या तुम्हारे पास वक्त है? मैं मरीना के आसपास की जगह के बारे में पूछना चाह रही थी, लेकिन मैं बाद में भी आ सकती हूँ। बाद में आने की कोई जरूरत नहीं है पैलिन, बल्कि अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है पैलिन। मरीना प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया। क्या मतलब है? बेहतर होगा कि तुम हमारी कंपनी के बजाय हकान के साथ काम करो, तुम दोनों एक जैसे हो। तुम क्या बात कर रहे हो फरीद, होश में तो हो? मेरा हकान से क्या ताल्लुक हो सकता है? मैं ये बात नहीं जानती कि तुमसे ये बात किसने और क्यों की है। बस पर... पहले मैं मजीद झूठ सुनना नहीं चाहता हूँ, तुम अब यहाँ से जा सकती हो, गलत होगा अगर मैं तुम्हें यहाँ से धक्के दिलवाऊँ। फरीद, मुझे एटलीस्ट एक्सप्लेन तो करने दो तुम। मैंने ये सब तुम्हारी मोहब्बत के लिए किया है फरीद, तुम भी मुझसे मोहब्बत करते थे,
अगर दैमत वो सब ना करती तो हम एक साथ होते। जिंदगी में पहली बार मैं दैमत का शुक्र गुजार हूँ। कंपनी के लिए तुम्हारी की गई मेहनत जाया नहीं होगी, तुम्हें उसके पैसे मिल जाएंगे। जाओ यहाँ से। ये सब बातें तुम्ही ने बताई है ना इसे? पहले आखिर तुम्हें दिखा दिया कि तुम कैसी इंसान हो। मेरे ख्याल से मैं 7 साल पहले भी गलत नहीं था। प्लीज तुम हमारी जिंदगी से निकल जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहता। मैं चलती हूँ, रेस्टोरेंट में बहुत काम है। नाजली शुक्रिया तुम्हारा पैलिन का चेहरा दिखाने के लिए। कोई बात नहीं, तुम्हारा भी शुक्रिया मेरी बात सुनने के लिए। मैं तुम्हारी बात हमेशा सुनूंगा अगर तुम बताओ। कल मिलते हैं कोर्ट में। गवाहों का बयान भी इस फाइल में मौजूद है जज साहब। मेरी क्लाइंट नाजली और मिस्टर फरीद असलान एक दूसरे से अलग हैं, क्योंकि उन दोनों के दरमियान बहुत मसले हैं, ऐसा कहा है गवाह ने। नाजली असलान, मुझे ये बताइए कि आप तलाक लेना चाहती हैं? आपकी शादी को तो कुछ महीने हुए हैं। जी जज साहब। मैं सुन नहीं पाया, ऊंचा बोले जरा। जी जज साहब, तलाक चाहती हूँ। आप फरीद असलान अपनी बीवी के तलाक के फैसले पर क्या कहना चाहते हैं? क्या आप भी तलाक देना चाहते हैं? हाँ जज साहब, मैं भी तलाक लेना चाहता हूँ। फैसला, फरीद और नाजली ने तलाक का दावा दायर किया था। ये दोनों एक साथ रहना नहीं चाहते, इसलिए ये तलाक चाहते हैं और एक दूसरे से कोई ख्वाहिश भी नहीं रखते। अभी इन दोनों की शादी को ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। इन दोनों के दरमियान जो मसले हैं उन्हें हल करने के लिए और इस शादी को जारी रखने के लिए अदालत ने यह फैसला किया है कि मिस नाजली और मिस्टर फरीद, आप दोनों को शादी के एक डॉक्टर के पास भेजने का हुक्म देता हूँ। जज साहब अपना फैसला नहीं बदलेंगे, अगली सुनवाई पर डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक जज साहब फैसला करेंगे। समझ गई, आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं। इंसाफ जैसी चीज होती भी है यार, तुम्हें भी खुशी हुई है मान लो। हाँ खुशी हुई है, पर लेकिन हकान से क्या कहेंगे हम लोग। हाँ अच्छा याद दिलाया, उस हकान को तो ना बहुत ज्यादा सजा मिलनी चाहिए, कसम से बहुत ज्यादा। मैं डॉक्टर से मिलकर आपको बता दूंगा फरीद सर। जी ठीक है, शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। नाजली मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही हूँ, ठीक है? अब तो खुश हो? क्यों होंगी, अब हमें डॉक्टर से भी मिलना होगा। ये फैसला मैंने नहीं किया, जज का फैसला है। जज साहब को नहीं लगा कि तुम सही हो? ये बताओ डॉक्टर से क्या कहोगी, मैं भी जानना चाहता हूँ। ये डॉक्टर एक मुलाकात में ही कैसे फैसला कर लेगा? पहली मुलाकात में भी हो सकता है और एक से ज्यादा मुलाकातों में भी। सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है। अगर तुम अच्छी कोशिश करो तो हमें ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। लेकिन इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें? लगता है तुम्हें बहुत जल्दी है तलाक। नहीं तो मैं तो बस ये चाहता हूँ कि हमारा काम आसान हो जाए। और जब तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो तो मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। हाँ लेकिन एक बार रोकने की कोशिश की थी लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। मैं भी अब इस किस्से से थक चुका हूँ। बहुत अच्छे, जब हम दोनों को ही इतनी जल्दी है तलाक लेने की तो हमें देर नहीं लगेगी। पहली मुलाकात में सब पता चल जाएगा और दूसरी सुनवाई में हमारी तलाक हो जाएगी।
सच पूछो तो मैं उस डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता, लेकिन ये सुनना चाहता हूँ कि तुम वहाँ क्या कहोगी। और इन सारी चीजों को देखते हुए मैंने तो लॉयर को भी कह दिया है, वो भी बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। सही कहा, बहुत वक्त नहीं लगेगा।